हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हलवाई जैसी रसमलाई। यहाँ पर रसमलाई बनाने के लिए हमने 2 लीटर दूध लिया है। इसको चलाते हुए अच्छे से उबाल लेंगे। हमारा दूध जब तक उबलता है तब तक आधे ग्लास पानी में 4 चम्मच विनेगर डालेंगे। हमारा दूध उबल गया है अच्छे से। अब इसमें विनेगर वाला पानी धीरे धीरे डालेंगे। उसे आहिस्ते से चलाएंगे। ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से फट गया है, पानी अलग हो चुका है। थोड़ी देर ऐसे पकने देंगे इसे। अब गैस बंद कर देंगे। अब छेना को हम छानेंगे। ये हमारे पास छलनी है, इसमें हम कपड़ा रखेंगे कॉटन का। इसमें सारा छेना निकाल के छान लेंगे। बचे हुए पानी को फेंके नहीं, इसे आटा गूंदेंगे तो बहुत अच्छा सॉफ्ट अच्छी रोटी बनेगी, हेल्दी रोटी। अब इस छेना के ऊपर फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे। इस कपड़े की पोटली बनाएंगे। छेना को अच्छे से पानी इसका निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। अच्छे से दबाकर पानी निकाल लें। अब एक बर्तन में छेना निकालेंगे। इसे अच्छे से मसल लेंगे। हथेली की मदद से इसे अच्छे से मसलते रहें 3 से 4 बार। एकदम बारीक अच्छे से मसलने से देखिए, हमने 3 से 4 बार इसे मसल लिया अच्छे से। एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं, एकदम आटे की तरह गूंद लें इसे। अब इसके छोटे छोटे रसगुल्ले बना लेंगे, चपटे रसगुल्ले। इस तरीके के सारे रसगुल्ले बना लेंगे।
हमने रसगुल्ले बना लिए हैं। अब एक कुकर में 2 कप शक्कर डालेंगे। और 2 गिलास पानी, इलायची पाउडर, हम रसगुल्ले को कुकर में बनाएंगे। कुकर में बहुत सॉफ्ट रसगुल्ला बनता है, स्पंजी रसगुल्ला। शक्कर के घुलने तक इसे उबाल लें। हमारी चाशनी तैयार है, अब इसमें सारे रसगुल्ले डाल देंगे। अब इस पर ढक्कन लगा देंगे। 2 से 3 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, इसे अच्छे से उबालेंगे रबड़ी बनाने के लिए। हमारा दूध उबल चुका है अच्छे से। उसमें 1 कप शक्कर डालें। केसर 2 चुटकी, इसको अच्छे से मिक्स करें, उबालें। ये हमारे पास रबड़ी है, हम इसको डाल रहे हैं। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप कंडेंस मिल्क डालें। अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू, बादाम, पिस्ता। हमारा दूध पक चुका है अच्छे से। इसमें थोड़ा सा पीला रंग डालेंगे। हमारा मीठा दूध बनकर तैयार है, रबड़ी या दूध। इसे ठंडा होने देंगे। हमारा दूध भी ठंडा हो चुका है। अब रसगुल्ले को निकालेंगे और इसका रस अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसे दूध में डाल देंगे। गर्म दूध में रसगुल्ले कभी नहीं डालें, दूध ठंडा होने पर ही डालें। इसी तरीके से सारे रसगुल्लों का रस निचोड़ के इसमें डाल देंगे। हमने सारे रसगुल्लों को इसमें डाल दिया है दूध में। इसे आप चाहें तो फ्रिज में भी थोड़ी देर, आधे घंटे रख के भी सर्व कर सकते हैं। हम इसे फ्रिज में रख देंगे। चाशनी बचे तो इसे फेंके नहीं, आप दूसरी बार भी कुछ बनाए तो यूज़ कर सकते हैं। हम इसे सर्व करते हैं।
ऊपर से रस डालेंगे रसगुल्ले के ऊपर। थोड़ा सा केसर से सजाएंगे। बारीक कटे हुए पिस्ता, गुलाब की पंखड़ियाँ हैं, इसे भी हम सजाएंगे। हमारी रसमलाई बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें ये आपको कैसा लगा, और इसे शेयर करना ना भूलें।